हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आप भी यात्रा करते समय उल्टी आने की समस्या से परेशान है तो इसे कैसे रोका जाए। वैसे हम आपको बात दे कि कुछ लोगों को सफर के दौरान उल्टी होती है जिसके कारण वो लोग यात्रा का मजा नहीं ले पाते हैं। ऐसे में यदि आप भी उल्टी की शिकायत से परेशान है तो आपको बता दे कि आप नीचे दिए गए घरेलू उपाय की सहायता से आसानी से इससे दूर रह सकते हैं। उल्टी आने पर घरेलू उपचार अदरक। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जी मचलाने की समस्या को रोकने में मदद करते हैं। ये पेट की जलन को भी कम करती हैं और तुरंत राहत दिलाती हैं। अदरक की चाय, अदरक या कैंडी या फिर एक चम्मच अदरक को कूटकर कर गर्म पानी में मिलाकर पी जाए। इससे बेचैनी की समस्या कम होगी और वॉमिटिंग भी बंद हो जाएगी। पुदीना। यदि आप वॉमिटिंग और जी मिचलाने जैसी समस्या से परेशान हैं तो पुदीना इस समस्या का बेहतरीन इलाज है। पुदीने से पेट में ठंडक होती है और मसल्स को भी आराम मिलता है। अगर आप चाहें तो पुदीने की गोली बनाकर खा सकते हैं या फिर पुदीने का शरबत भी पी सकते हैं। केला। यदि आप डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहे हैं या फिर आपका जी मिचला रहा है तो आपको केला खाना चाहिए। केला पोटेशियम को रिस्टोर करने में सहायता करता है। इसके अलावा केला खाने से वॉमिटिंग की समस्या से काफी हद तक राहत मिलती है। नींबू। यदि आपको बार बार सफर के चलते उल्टी आती है या फिर बेचैनी की समस्या होती है तो आप अपने साथ नींबू को जरूर रखें। नींबू आपको वॉमिटिंग और जी मिचलाने जैसी समस्या से छुटकारा दिलाएगा। तुलसी। तुलसी के पत्ते अपने साथ जरूर रखें, इसको खाने से उल्टी नहीं आएगी। लौंग। सफर के दौरान यदि आपका जी मिचलाता है तो आपको तुंथी मुंह में लौंग रखकर उसे चूसना चाहिए। ऐसा करने से आपका राहत मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कार या बस में सफर यात्रा के दौरान होती है उल्टी तो आजमाए ये घरेलू उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आज के इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ सीखने को मिला है। इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।